अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो व्यूअर्स, आज जो है वीडियो व्लॉग जो है मैंने शुरू किया है और माशाल्लाह से हमारे वॉशरूम जो है तैयार हो गए हैं और मिस्त्री भी हमारा जो है व्यूअर्स अभी लगा हुआ है। तो शाम का वक्त हो गया है माशाल्लाह से जो है। आज व्यूअर्स जो है बेगम को मैंने सरप्राइज़ देना है और सरप्राइज़ क्या है वो भी आपको चल के जो है मैं बताता हूँ। और अभी तक व्यूअर्स मैंने बेगम को नहीं बताया, तो व्यूअर्स अब उनको ये भी नहीं पता कि मैं जो है वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं बेगम जो है क्या कर रही है और सब घर वाले जो है व्यूअर्स क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा पहले वाला जो वाशरूम था ना व्यूअर्स, ये हमारा वाशरूम तो नहीं था, एक किस्म का छोटा सा हमने पर्दा टाइप बनाया हुआ था जो है। वो अभी हमने अंदर से मैं चाल को दिखाता हूँ ना, तोड़ दिया। ये उसकी पुरानी ईंटें वगैरह जो है हमने निकाल के रखी हुई हैं। तो अभी हमारे सिर्फ जो है बाहर वाली ये दीवार है चार दीवारी की जो अभी कच्ची है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो ये भी बहुत जल्द जो है हम बना लेंगे। तो बस अभी मैं आपको जो है हमारे गाँव का माहौल भी दिखाता हूँ और चलता हूँ अंदर जो है बेगम को सरप्राइज देता हूँ। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा गांव जो है कितना हरा भरा है। व्यूअर्स जो है खेत हैं और जो है मेरे चाचू जो है अभी वो घास बना रहे हैं अपने जानवरों के लिए, उनका साथ ही क्या रहना। तो माशाल्लाह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो व्यूअर्स हमारी खजूर जो है लगी हुई थी, तो खजूर ऊपर से ना बच्चों ने तोड़ के व्यूअर्स जो है ऐसे ज़ाया कर दी। अगर ये पूरी पक जाती तो व्यूअर्स फिर खाने का मज़ा कुछ और था। तो ये व्यूअर्स हमारी साइड वाली दीवार है इस साइड की। तो अभी व्यूअर्स मैं चलता हूँ अंदर और जो है देखता हूँ सब क्या कर रहे हैं और जो सरप्राइज़ है ना व्यूअर्स वो चल के बेगम को देता हूँ। तो व्यूअर्स अभी अंदर जो है मैं आ गया और मैंने ना व्यूअर्स छुपा के दराज में रखे हैं। व्यूअर्स देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे जो है झुमके हैं, ये भी मैं लेके आया था। व्यूअर्स ये चूड़ियाँ जो हैं गजरे वाली, ये मुझे ज़्यादा पसंद हैं। ये जब बाजों में होती है ना तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो व्यूअर्स अभी जो है इनमें से कौन सी चीज़ जो है बेगम को अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ उनको पसंद आती है, तो जो वो रख लेंगी, और अगर चूड़ियाँ रख लेंगी तो ठीक है, झुमके रख लेंगी तो जो है बाकी चूड़ियाँ एक सुहाना रख लेगी और या बेगम रख लेगी, जो जिस जिसे पसंद आएगी ना व्यूअर्स। तो पहले नंबर पे मैं उसे चल के जो है सरप्राइज देता हूँ ना। तो व्यूअर्स अभी जो है ये मैंने इधर चार पाई के रख दिए ना, और बेगम जो है किचन में कोई काम कर रही है, तो उनको चल के बताता हूँ। अभी बताना नहीं है, उनको इधर ले आऊँगा उसके बाद जो है उनको बताऊँगा। बेगम क्या कर रही है? सालन बना रही हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे लिए। क्या सरप्राइज है ये? तो आप चलोगी ना तो फिर उसके बाद आंखें बंद कर आंखें बंद करके चलना है। आंखें बंद करके चलना है, यही तो सरप्राइज है ना। हाँ। ना मैं तो चल रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ ना, मुझे तो कुछ मजा नहीं। आप इधर बैठ, आपने अभी जो है आंखें नहीं खोली। तो ये है आपके लिए सरप्राइज। और ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं, दोनों ही पसंद। और मेरे लिए क्यों सा है, एक तो सुहाना के लिए और दूसरा जो है मेरे लिए। आप ये बताओ ना आपको कौन सा पसंद है? मैं तो झुमके लूंगी। झुमके? हाँ।
झुमके तो ओरिजिनल सोने के हैं, डायमंड के हैं। सोने के तो नहीं, ये तो महंगे हैं। वैसे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, सोने से भी ज्यादा। तो बहुत ही अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम इबाज। तो मेरे मियाँ जी जो है मेरे लिए गिफ्ट ले कर आए हैं। मुझे दोनों ही चीजें बहुत ही पसंद है और मेरे दिल बहुत खुश हो गया। आज मेरा मियाँ ने मेरे दिल खुश कर दिया है। और मैं जो कह रही हूँ, मुझे तो जो है झुमके ही ज्यादा जो है प्यारे लग रहे हैं। और चूड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं। और सही बात है व्यूअर्स, ये मेरा दिल कर रहा था तो मैंने मकसद ये चीज ले आया था इनके लिए। तो व्यूअर्स, ये नहीं होता कि काफी बंदे जो है कहते हैं कि जब जो है बंदा पहले लव मैरिज करता है, माशाल्लाह से हमारी लव मैरिज की शादी हुई है और जो है हमने ऐसी शादी नहीं की। और शादी के पहले भी हमारा इतना ही प्यार था और माशाल्लाह से लोग कहते हैं कि शादी के बाद जो है प्यार कम हो जाता है, तो व्यूअर्स ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से शादी के बाद भी हमारा प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो। मेरे मियाँ जो भी चीज लेकर आते हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस बार जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है दोनों ही चीजें। और तो मेरे लिए व्यूअर्स ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमारा मिस्त्री जो है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं वो बहुत गुस्से में है और देख रहा है। तो मैंने कहा हम जो है वीडियो बना रहे हैं, तो असल में वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाचू हैं, तो इसलिए। तो व्यूअर्स अभी मैं सुहाना को बुलाता हूँ। सुहाना इधर आओ, तुम्हें क्या चीज पसंद है आप बताओ ना। सुहाना बैठो। तो व्यूअर्स ये जो है मेरी छोटी बहन है और मुझे बहुत ही प्यारी है और ये मेरे साथ रहती है वीडियो में भी और हर काम में मैं इनको जो है साथ रखता हूँ। तो आपको कौन से पसंद है, झुमके और चूड़ियाँ? पहले तो ये बताओ, ये चूड़ियाँ जो है सुहाना को पसंद आई हैं। तो ये जब पहनेगी ना तो माशाल्लाह से, अभी पहन के दिखाओ, एक मिनट पहनाना। तो ये व्यूअर्स अभी चूड़ियां सुहाना को बेगम पहनाएगी और सुहाना जो है बेगम को झुमके पहनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। पहले वो पहनना पड़ता है, मुझे लगता है बेगम ने कभी चूड़ियां नहीं पहनाई। भूल गई थी, मुझे क्या पता कौन सा पहनना। तो व्यूअर्स देख लें आप इसके काम जो है, ये पहले इस जैसी चूड़ियां कभी बेगम ने शायद नहीं देखी। हाँ, मैं तो सादे वाले पहनती हूँ, ये भी बहुत प्यारी लगती है। वो भी अच्छी होती हैं, ये भी माशाल्लाह से अच्छी। ये थोड़ी कलर वाली हैं और जो है आजकल इनका डिजाइन चल रहा है ना। हाँ, ये जो है सुहाना को बहुत ही प्यारी लगेगी। चूड़िया बनाने में कौन सा टाइम लग रहा है? ये साइज ठीक है सुहाना? मैंने व्यूअर्स साइज तो सुहाना के हिसाब से लिया था, मेरा अंदाजा था कि ये साइज जो है सुहाना को आएगा। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी लग रही है। तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अभी जो है सुहाना झुमके पहनाओ बेगम को। मैं नहीं पहनती, रख दो कभी। चलो एक तो पहन के दिखाओ ना। हाँ, अच्छे लगते हैं या नहीं? माशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं व्यूअर्स। तो इनकी छोटी सी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी है और अभी अम्मी के लिए जो है गिफ्ट रहता है उनके लिए भी ले आऊंगा। छोटी जो चीजें लेकर आते हैं हम सुहाना और मेरे अम्मी के लिए, सब के लिए हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस बार जो है बहुत ज्यादा खुशी है। तो व्यूअर्स मैं जो है ऐसे इनकी खुशी पूरी करता रहूं और जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मकसद प्यारी है सबसे। और बेगम तो वैसे ही मुझे ज़्यादा जो है प्यारी है सबसे, और ये बात नहीं है, सुहाना भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्यारी है। वो तो मेरी बहन है ना व्यूअर्स, छोटी बहन है तो वो मेरे साथ रहती है हर टाइम।